दोस्तों आज हम टॉप टेन मोस्ट आईएमपी स्वामी एंड फ्रेंड जो नोवेल है उसके एम देखेंगे तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों पहला एम है स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ नोवेल रिटर्न बाय दोस्तों स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल किसने लिखी ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी है आर के नारायण ऑप्शन सी राजा राव और ऑप्शन डी मुल्क राज आनंद सो so राइट right आंसर इज ऑप्शन बी आर के नारायण दूसरा एमसीक्यू है स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज फर्स्ट पब्लिश इन स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल को पहली बार कब पब्लिश किया गया ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1940। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1935। थर्ड एम सी क्यू है वॉट इज स्वामीज फर्स्ट रिएक्शन टू हियरिंग दैट हिज मदर इज हैविंग अ बेबी दोस्तों स्वामी का पहला क्या रिएक्शन था जब उसने सुना कि उसकी माँ को एक और बच्चा है ऑप्शन ए ग्रेट एक्साइटमेंट अबाउट हैविंग अ बेबी ब्रदर ऑप्शन बी फियर ओवर द अटेंशन दैट द ब्रदर विल टेक अवे फ्रॉम हिम ऑप्शन सी ग्रेट क्यूरियोसिटी ओवर वॉट हीज बेबी ब्रदर माइट बी लाइक ऑप्शन डी लेक ऑफ एंथ्यूसिज्म दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लेक ऑफ एंथ्यूसिज्म उसको उत्साह ही नहीं था बिल्कुल उसके अंदर जोश नहीं था उसके अंदर जोश यानी कि उत्साह का लेख था कमी थी उत्साह की चौथा एम सी क्यू है विच गेम इज मैंशनड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स दोस्तों स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल में किस गेम के बारे में बात की गई है ऑप्शन ए हॉकी ऑप्शन बी क्रिकेट ऑप्शन सी वॉलीबॉल और ऑप्शन डी कबड्डी सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिकेट स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल में क्रिकेट गेम के बारे में बात की गई है दोस्तों एम सी क्यू नंबर फाइव आफ्टर द एग्जामिनेशन एग्जाम के बाद हिज फ्रेंड्स यानी कि स्वामी के फ्रेंड्स डिस्कस देयर आंसर्स एग्जाम के बाद स्वामी के फ्रेंड्स आंसर को डिस्कस कर रहे थे जो एग्जाम में वो लिख के आए थे वो आंसर को डिस्कस कर रहे थे वॉट लाइ ड स्वामी टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज एग्जाम तो स्वामी ने उस वक्त क्या झूठ बोला उनके फ्रेंड को ही रोट अ हाफ पेज रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन ऑप्शन बी ही वॉज सरप्राइज बाय हाउ हार्ड द एग्जाम वॉज ऑप्शन सी ही फाउंड द एग्जाम इजियर देन एक्सपेक्टेड और ऑप्शन डी ही फिनिश्ड अ हाफ आवर अर्ली सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ही रोट अ हाफ पेज रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन छठा एमसीक्यू है व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी सिबलिंग्स स्वामी के सिबलिंग का क्या नाम था दोस्तों ऑप्शन ए रजम ऑप्शन बी सोमू ऑप्शन सी शंकर और ऑप्शन डी सुब्बू सो so राइट right आंसर इज ऑप्शन डी सुब्बू सातवा एमसीक्यू है हाउ ओल्ड इज स्वामी स्वामी की उम्र क्या थी ऑप्शन ए इलेवन ईयर्स ऑप्शन बी ट्वेल्व इयर्स ऑप्शन सी थर्टीन ईयर्स और ऑप्शन डी टेन ईयर्स सो so, राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेन ईयर्स आठवा एमसीक्यू है इज नोन एज माइटी गुड फॉर नथिंग इन स्वामी एंड फ्रेंड्स दोस्तों माइटी गुड फॉर नथिंग स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेले है उसमें किसको कहा गया है किसके बारे में बात की गई है ऑप्शन ए सोमू ऑप्शन बी मणि ऑप्शन सी रजम और ऑप्शन डी शंकर सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मणि मणि को माइटी गुड फॉर नथिंग कहा गया है अगला एम सी क्यू है हु इज नोन एज द पी बिकॉज ऑफ हिज हाइट्स इन स्वामी एंड फ्रेंड्स दोस्तों द पी किसको कहा गया है इस स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल में ऑप्शन ए रजम ऑप्शन बी मणि ऑप्शन सी सोमू और ऑप्शन डी सेम्यूल सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेम्यूल अब अगला और लास्ट एम सी क्यू है वॉट इज द नेम ऑफ स्वामीज फादर स्वामी के पिता का क्या नाम था ऑप्शन ए लक्ष्मण ऑप्शन बी स्वामीनाथन ऑप्शन सी डब्ल्यू टी श्रीनिवासन और ऑप्शन डी सुब्बू so right सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी डब्ल्यू टी श्रीनिवासन आई होप दोस्तों स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल्स के ये जो टॉप टेन एम सी थे वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे शुक्रिया